Good morning, students. How are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to read a chapter, The Story of the Road, of your Unit 6 of English. तो बच्चों, जब आप सुबह उठते हो तो आपको रोड में क्या क्या दिखाई देता है? रोड आपको खाली खाली दिखता है ना? लेकिन जब आप ध्यान से सुनो तो कभी आपको जो है चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है ना, कभी आपको जो है कौओं की आवाज़ सुनाई देती है, कभी जो है न्यूज़पेपर बॉय जो है न्यूज़पेपर लेकर आता है, सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है, स्कूल जाते हुए बच्चे जो है आपको दिखाई देते हैं। तो आज इस स्टोरी के अंदर हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ अस्लीप, Everything is quiet. अभी जो है बिल्कुल सुबह हुई है, जो रोड है वो सोया हुआ है. Road is asleep. Okay? Everything is quiet. सब कुछ जो है बिल्कुल चुप है. तो रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ आवाज नहीं आ रही है. But listen, लेकिन सुनो, listen यानी सुनो. The birds are calling softly. जो birds हैं वो बहुत ही धीरे धीरे जो है कुछ कह रही हैं. चिरप 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 से द स्पैरोज. तो जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, वो क्या कह रही है? चिरप चिरप चिरप. तो जो चिड़िया होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो ऐसे निकलती है ना, चिरप चिरप. तो वो अपनी उसी आवाज़ में जो है बोल रही है. काव 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 सेज द क्रो. और जो क्रो है यानी जो कौवा है वो क्या कर रहा है? काव काव. ओके, काव काव काव, वेक अप वेक अप. तो जो कौवा है वो काव काव करते हुए कह रहा है, वेक अप, उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो चुकी है. हेयर इज समवन एल्स नाउ. यहाँ पर कोई और भी है. समवन एल्स का मतलब कोई और भी. ओके, ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, इट इज द न्यूज़पेपर बॉय. तो जो ये कौन है, वो समवन एल्स कौन है? वो समवन एल्स जो है न्यूज़पेपर बॉय है, जो कि न्यूज़पेपर लेकर आया है अपनी साइकिल पर. और साइकिल कैसे आवाज कर रही है? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग. ओके, तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज द बाइसिकल. तो जो न्यूज़पेपर बॉय है उसकी बाइसिकल जो है ट्रिंगलिंग की आवाज कर रही है और कह रही है, वेक अप. ओके, चिरप 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 से द स्पैरोज. स्पैरोज चिरप चिरप कर रही हैं. चिरप चिरप काव काव सेज द क्रो, वेक अप. और जो क्रो है वो काव काव करते हुए कह रहा है, वेक अप, उठ जाओ. हु इज दिस कमिंग नाउ. ये और कौन आ रहा है अब? इट इज द वेजिटेबल मैन. ये जो है वेजिटेबल मैन है, जो कि सब्जियां बेचने आया है. पीस कॉलीफ्लावर्स कैबेजेस. तो वो क्या क्या कह रहा है, वो कौन सी सब्जियों के नाम ले रहा है? पीस कॉलीफ्लावर कैबेजेस. पीस यानी मटर, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, और कैबेजेस यानी बंद गोभी. तो जो सब्जी वाला है, जो जो सब्जियां उसके पास हैं वो उनके नाम लेते हुए आ रहा है, ताकि वो उन सब्जियों को बेच सके. ठीक है, पोटैटोस क्यूक्यूम्बर रेडिशेस कैरेट्स. तो पीस कॉलीफ्लावर और कैबेजेस के अलावा उसके पास और कौन कौन सी सब्जियां हैं? पोटैटो यानी आलू, क्यूक्यूम्बर यानी खीरा, रेडिशेस यानी मूली, और कैरेट्स यानी कि गाजर. ओके, तो वो जो है इन सभी जो है सब्जियों के नाम लेते हुए आ रहा है. काउ सेज द क्रो, वेक अप. और जो कौवा है फिर से काउ का करते हुए कह रहा है, वेक अप, उठ जाओ. चिरप चिरप से द स्पैरोज. और जो स्पैरोज हैं वो चिरप चिरप कर रही हैं. ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर, हु आर दीज. अब कुछ और आवाजें आई, और वो आवाजें क्या आई? ट्रैम्प ट्रैम्प एंड चैटर चैटर की आवाज़ें. ठीक है, तो ये आवाज़ें जो हैं किसकी हैं? हु आर दीज, ये कौन है जो ये आवाज़ कर रहे हैं? दे आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल. ये जो है स्कूल जाते हुए क्या हैं? बच्चे हैं. ठीक है, चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रेन. और जो स्कूल चिल्ड्रेन हैं वो चैटर चैटर यानी एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे हैं. ठीक है,
तो जब हम कभी आपस में बात करते हैं तो टीचर क्या कहती है, व्हाई आर यू चैटरिंग, आप सब बातें क्यों कर रहे हो। तो जो बच्चे हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, चैटर चैटर, ठीक है, यानी आपस में बात करना। ट्रैम्प 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 गो देयर शूज, और ट्रैम्प ट्रैम्प की आवाजें कौन कर रहा है, जब वो चल रहे हैं तो चलते वक्त रोड पर उनके शूज से जो आवाज आ रही है वो ट्रैम्प ट्रैम्प की आवाज आ रही है। ओके, पीस कैरेट्स कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल मैन, और जो सब्जी वाला है फिर से अपनी सब्जियों की आवाज लगाता है, पीस कैरेट्स कैबेजेस, मटर, ओके, गाजर, गोभी। चिरप 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 से द स्पैरोज, और जो चिड़िया हैं वो चिरप चिरप कर रही हैं। काउ काउ सेज द क्रो वेक अप, और जो कौआ है वो काउ काउ की आवाज करते हुए कहता है, उठ जाओ, वेक अप वेक अप। काउ 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 सेज द क्रो, काउ काउ वेक अप, और जो कौआ है वो बार बार काउ काउ करते हुए वेक अप वेक अप वेक अप कर रहा है कि उठ जाओ सुबह हो चुकी है, उठ जाओ सुबह हो चुकी है। वेक अप आस्ती रोड, अब रोड पूछता है वेक अप उठ जाओ, ठीक है। तो रोड जो है थोड़ा हैरान है कि कौआ बार बार वेक अप क्यों कह रहा है। कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। फुलिश बर्ड मूर्ख बर्ड, मूर्ख बर्ड किसको कह रहा है, वो मूर्ख बर्ड वो कौवे को कह रहा है। आई एम वाइड अवेक, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल उठा हुआ हूँ सुबह से ही, तुम बार बार उठने को क्यों कह रहे हो जब मैं ऑलरेडी उठा हुआ हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं जो इस स्टोरी में हमने नए वर्ड्स सीखे थे। तो मैंने ये नए वर्ड जो है लिख दिए हैं, और ये वर्ड्स क्या-क्या हैं देखते हैं। अस्लीप, अस्लीप यानी कि सोया हुआ। ओके, तो नॉट अवेक और स्लीपिंग, तो जब कोई कहता है आई एम अस्लीप तो मतलब मैं सोया हुआ हूँ, मैं जो है सो रहा हूँ, स्लीपिंग। चिरप, चिरप जो है किसकी साउंड थी बच्चों, चिरप जो है वो बर्ड्स की साउंड थी। ओके, तो जो पक्षियों की आवाज है वो चिरप चिरप जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट जो वर्ड हमने देखा दैट इज न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तो आप सबके घरों में आता ही होगा, है ना। न्यूज़पेपर क्या होता है कि जो भी पूरे दिन में जो भी घटनाएं हुई हैं न्यूज़पेपर में वो सब जो है लिखे हुए आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी जो हमारे दिन दिन की बातें हुई हैं, ठीक है, वो सभी न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ बनकर लिखी हुई आती है, ठीक है। और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, अखबार। नेक्स्ट जो दैट इज पीस, पीस यानी जो मटर होती है, मटर एक सब्जी है आप सबने देखी होगी, है ना, उसका हरा छिलका होता है और फिर उसमें से गोल गोल जो है हरे हरे दाने निकलते हैं, तो दैट इज पीस। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बच्चों हम फूल गोभी को बोलते हैं। गोभी आप लोगों ने तकरीबन दो ही तरीके की देखी होगी, है ना, तो एक गोभी होती है कॉलीफ्लावर जिसमें आपको वाइट वाइट जो है फ्लावर्स जो है नजर आते हैं और उसके नीचे जो है ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है, तो बीच में एक वाइट सा फूल होता है, नीचे जो है ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, तो वो जो सब्जी होती है उसको हम फूल गोभी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट इज कैबेज, कैबेज जो होती है वो होती है बंद गोभी, तो आपने एक और गोभी देखी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते नजर आते हैं आपको, ग्रीन ग्रीन कलर के जो है पत्ते होते हैं उसपे, है ना, तो बहुत सारे पत्ते पत्ते होते हैं। वैसे ये जो है रेड कलर की भी होती है और व्हाइट कलर की भी हल्की हल्की होती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ज्यादातर ग्रीन कलर की देखी होगी। नेक्स्ट इज पोटैटोज, अब जो पोटैटोज होते हैं, पोटैटो सबको पता होता है कि जमीन से निकलते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं पोटैटो, तो पोटैटो जो है क्या होता है, पोटैटो जो है आलू होता है। ओके, इसके बारे में आप सबको पता होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूम्बर क्या होता है बच्चों, क्यूक्यूम्बर होता है खीरा, ठीक है। खीरा क्या है, इट इज अ लॉन्ग थिन वेजिटेबल विद अ डार्क ग्रीन स्किन दैट डस नॉट नीड टू बी कुक्ड, तो खीरा जो होता है आप सब लोग सैलड में खाते हो, उसकी जो है सलाद बनाकर खाते हो, है ना, तो उसका जो होता है ग्रीन कलर का छिलका होता है, और जब आप छिलका उतार देते हो,
ठीक है। तो जो है आपको हल्का हल्का सा ग्रीन और व्हाइटिश कलर का जो है खीरा अंदर से देखने को मिलता है जिसको आप खाते हो, ठीक है। उसको हमें कुक करने की जरूरत नहीं होती, हम उसको ऐसे ही कच्चा खाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेडिशेस। तो जो रेडिश होती है वो क्या होती है, मूली होती है। मूली सबने देखी होगी, जिसका व्हाइट कलर का स्किन होता है, आप लोगों ने मूली के पराठे भी खाए होंगे, ठीक है। तो इट इज अ स्मॉल रेड वेजिटेबल दैट इज व्हाइट इनसाइड और अ लॉन्ग व्हाइट वेजिटेबल विद अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ठीक है। तो मूली जो है एक व्हाइट कलर की जो है सब्जी होती है, जिसका छिलका भी व्हाइट होता है, अंदर से भी ये जो है व्हाइट ही होती है, और इसकी बहुत ही तेज जो है स्मेल भी आती है और टेस्ट भी आता है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज कैरेट। तो बच्चों कैरेट क्या होती है, कैरेट होती है गाजर, आप सबने देखी होगी, है ना। तो ये एक ऑरेंज ऑरेंज कलर की सब्जी होती है, जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसको हम पकाकर भी खा सकते हैं। ओके, इट इज अ लॉन्ग थिन ऑरेंज वेजिटेबल दैट ग्रोज अंडर दी ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे उगती है। ओके, नेक्स्ट इज फुलिश। फुलिश का मतलब होता है सिली, नॉट सेंसिबल, जो बेवकूफी जैसी बातें करता है, मूर्खों जैसी बातें करता है ना, उसको हम जो है फुलिश कहते हैं। मतलब जिसकी बात का कोई मतलब नहीं होता ना, हम कहते हैं यार इसकी बात का कोई मतलब तो है नहीं, ये तो फुलिश है ना। तो सिली बातें करता है, सिली टॉक्स करता है, जो नॉनसेंस टॉक्स करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फुलिश कहते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आप सबको जो है अपना ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, आप इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए, ठीक है। ओके।